दोस्तों आज हमारे किचन में कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी लौजी बन रही है। हमने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हुए चले। यहाँ पर हमने 250 ग्राम कच्चे टमाटर लिए हैं जिसे हमने धो पोंछ लिया है और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से और कम सामान के साथ बनाएंगे। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें एक टेबल स्पून तेल डाली है। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और ये पंचफुटल लिया है जो कि 5 मसाले हैं और समान मात्रा में है। मेथी है, राई है, जीरा है, काला जीरा और सौंफ है जिसे हमने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है। उसे हम रख देंगे और फिर कब काम आएगा ये। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ कड़ी पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा पंचफोटन भी डाल देते हैं। ये फूटने के बाद हम इसमें कलर बदल गया है और ये फूट चुके हैं, इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये हरे टमाटर हैं, थोड़े कच्चे थोड़े पक्के। फ्लेम हमने स्लो रखा है, इसमें हम हल्की सी हल्दी डाल देंगे, बस कलर आने तक हल्दी डाल देंगे। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक है, अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। अभी दोस्तों इसमें 3-4 हम खजूर भी डाल देंगे जो हमने काट लिए थे। इसको 5 मिनट ढककर सिझाएंगे। दोस्तों इसको 5 मिनट हो गए हैं, हमारे मसाले भी टमाटर के साथ भून गए हैं। ये कच्चा टमाटर है तो सीजने में ये समय लेता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बस और इसे फिर से ढककर सिझा लेंगे। टमाटर को सीजते हुए 9-10 मिनट हुए हैं। पहले हमने 5 मिनट सिझाया था, अब ये कुल मिलाकर 14-15 मिनट हो गए हैं। ये कच्चे टमाटर हैं, थोड़े थोड़े खड़े ही रहते हैं। इसमें अब हम 1 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं सीजने के लिए। चीनी गल गई है, ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी बन गई है। अब गैस फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश कर देते हैं। ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। इसे आप टमाटर की चटनी को पराठा से, पूरी से, रोटी से, चावल से, किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।